आज हम हमारे व्याकरण के विषय में नया सब्जेक्ट यानी नया पाठ सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है समास। बच्चों, यह समास जो है वो दो शब्दों का मेल है, जिसमें सम प्लस आस, इस दो शब्दों के मेल से ये बना हुआ है, जिसमें सम का अर्थ होता है पास और अस का अर्थ होता है होना यानी पास होना। तो इसी पर समास का जो परिभाषा है समास की, वो इस तरह से होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नया शब्द, उसे कहते हैं समास। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उस दो मेल से जो नया शब्द तैयार होता है, उसे कहते हैं समास। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि घोड़े पर सवार यानी घुड़ सवार हुआ। दूसरा शब्द रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर यानी हम उसे कहते हैं रसोई घर। उसी तरह से अब देखते हैं कि राधा कृष्ण, इसका जो है शब्द कि राधा और कृष्ण से बनता है राधा कृष्ण। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि घोड़े पर सवार घुड़सवार हुआ, रसोई के लिए घर रसोई घर हुआ, राधा और कृष्ण राधा डैश कृष्ण। तो इस तरह से ये जो अनेक पद हैं, इन शब्दों से बना एक ही नया शब्द जो दो पदों का ही बनता है, यानी उसका छोटा सा रूप जिसे हम संक्षिप्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द का संक्षिप्त रूप हमने बना हुआ है, इसे ही कहते हैं समास, है ना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना यह नया शब्द, जिसे हम कहते हैं समास। तो बच्चों, इस समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। जैसे कि ये घुड़सवार जो हैं, इस घुड़सवार में ये जो घुड़ यानी घोड़ा जो है वो है पूर्व पद, और सवार जो है वो है उत्तर पद। ये दो पद घुड़ सवार यानी घोड़ा प्लस सवार, ऐसे दो अलग अलग पद यहाँ पर है, जिसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और उस मेल से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। और इस समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ये जो बना हुआ है संक्षिप्त रूप, उसे हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। और ये जो प्रक्रिया बनी हुई है अनेक शब्दों की मेल से बनने वाला नया शब्द, वही समास है। और उसी में से जो नया शब्द बनता है वो होता है समस्त पद। और ऐसे ही समस्त पद में दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ तक बच्चों आपको समझ गया होगा कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। अब हम देखते हैं समास में दूसरा एक आ जाता है, समास विग्रह। तो बच्चों देखो यहाँ पर जिस तरह से ये समस्त पद हैं, और इस समस्त पद को हमने जो इस तरह से लिखा हुआ है रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर हमने कारक के विभक्ति चिन्हों का उपयोग किया तथा योजक चिन्ह का भी हमने यहाँ पर उपयोग किया हुआ है। तो ऐसे विभक्ति चिन्हों का उपयोग कर या योजक शब्द चिन्ह का उपयोग कर जब हम इस समस्त पद को अलग अलग करके लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, उसे कहते हैं
समास विग्रह, क्या कहते हैं? समास विग्रह, यानी समास विग्रह का बनता है कि शब्दों को अलग अलग करना, अलग अलग करने की प्रक्रिया जो है वो है समास विग्रह। तो बच्चों यहाँ पर देखा समस्त पद और समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद, ये सब हमारे समास इस पाठ से संबंधित है और वो जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भाषाओं में, क्योंकि हम जब भाषाओं में कुछ लिखते हैं तो बहुत सारे पदों को लिखने के बजाय हम उसका एक संक्षिप्त रूप देने के लिए हम यहाँ पर समास का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर समास जो है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इस समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं समास के? 6। कितने हैं? 6। अब वो कौन से हैं? तो एक है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीही समास। इस तरह के 6 भेद हैं। लेकिन हम इन भेदों को स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक भेद को हम अच्छी तरह से उसके उदाहरण सहित समझ कर लेंगे तथा उसे समझने के एक आसान तरीका भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। उसे आपको ध्यान से देखना है और समझना है ताकि आपको परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसे आप आसानी से लिख सकते हैं और पहचान सकते हैं। क्योंकि बच्चों आपको परीक्षाओं में इस समास के ऊपर दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको समस्त पद दिया जाता है और उसका विग्रह करने के लिए कहा जाता है, और दूसरा विग्रह दिया जाता है और समस्त पद बनाने के लिए कहा जाता है। तो हम उसके साथ साथ समास का नाम भी पहचानने के लिए कहा जाता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा भेद है समास का? तो उसका तरीका मैं यहाँ पर सिखाते समय समझाऊंगी, उसे ध्यान से देखो। तो देखो बच्चों हमारा समास का जो पहला भेद है अव्ययी भाव, यह समास अव्ययी भाव समास, और आज हम देखेंगे दूसरा तत्पुरुष समास। यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो है, इस समास की पहचान है कि इस समास में पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है अथवा उपसर्ग होता है। और इस तरह से यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होता है जो प्रधान होता है, अव्यय होता है प्रधान होता है। और उसे पहचानना आसान तरीका, यानी जहाँ पर समस्त पद में पहला पद अगर उपसर्ग हो तो वो अव्ययी भाव का ही एग्जाम्पल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आ जन्म, आ जन्म का विग्रह हम करते समय लिखेंगे, ये जो यहाँ पर आ है ये है अव्यय है, पहला पद अव्यय है यानी उपसर्ग है, जिसे हम विग्रह करते लिखेंगे जन्म से लेकर। दूसरा शब्द हम देखते हैं कि प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ पर प्रतिदिन, ये प्रति ये पहला पद जो है वो भी अव्यय है यानी उपसर्ग ही है, जिसका विग्रह होगा हर दिन, हर दिन। तथा यथाशक्ति, यथा शक्ति यहाँ पर भी यथा यह शब्द उपसर्ग हैं जो अव्यय हैं, और इसमें विग्रह करते समय हम लिखेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के
अनुसार। तो बच्चों इस तरह से हमें देखना है कि जब दो पदों में से पहला पद अगर उपसर्ग हो तो वह अव्यय भाव समास का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से बाकायदा, बेनकाब, इस तरह से हमारे ये जो शब्द हैं उपसर्ग से बनने वाले, ये सब शब्द अव्यय भाव समास में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में भी क्या होता है, पहला पद जो होता है वो होता है गौण होता है। पहला पद, पूर्व पद गौण है यानी महत्व का नहीं होता है, और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। प्रधान होता है यानी वो महत्वपूर्ण होता है। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण है तो दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। अब हम इसे देखेंगे, जैसे कि, और विशेष करके यहाँ पर ध्यान में रखो कि तत्पुरुष समास में हमारे कारक के विभक्ति चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम, विभक्ति चिन्हों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। प्रधान होता है तथा विग्रह में कारक के विभक्ति चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, राज कन्या, ये समस्त पद है और उसका हम राजा की कन्या, राजा की कन्या यहाँ पर हुआ। दूसरा हम लिख सकते हैं ग्राम को गत यहाँ पर हमने लिखा ग्राम को गत। दूसरा है माल गाड़ी, जैसे कि माल के लिए गाड़ी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि राजा की कन्या, ये की, को, के लिए, इस तरह के यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कारक के हैं। तो कारक के जो आठ भेद है उसमें से पहला कर्ता और लास्ट का संबोधन यह छोड़ दिया तो हमारे बाकी के छह कारक के भेद यहाँ पर हम विभक्ति कर तत्पुरुष समास में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जब कारक के विभक्ति चिन्ह जिस समस्त पद में आते हैं वो होता है तत्पुरुष समास। तो ये आपको समझ में आ गया है कि अव्यय भाव समास को समझने की एक आसान तरीका हमारा है, वो है पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है, तथा तत्पुरुष समास को अगर हमें पहचानना है तो उसका आसान तरीका जहाँ पर कारक के विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण एक है कि पहला पद जो होता है वो गौण होता है यानी महत्वपूर्ण नहीं होता, तथा दूसरा पद जो होता है वो प्रधान यानी महत्व का होता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास की पहचान और उसका उदाहरण। बच्चों हमारा अगला समास का भेद है कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष तथा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और खास यह है कि इस समास में जो उत्तर पद है यानी दूसरा पद है वह प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। तो बच्चों हम देखते हैं उदाहरण के जरिए कि किस तरह से यहाँ पर हमें पद को देखा है, कि जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं समस्त पद और उसका विग्रह के रूप में पद दिया है नीलकंठ। समस्त पद है नीलकंठ। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये नील और ये कंठ ऐसे
दो पद हैं, इसमें से ये कंठ जो है वो विशेष्य है और उसका विशेषण है नील, क्योंकि कंठ कैसा है तो नीला है, तो यह दूसरे पद का विशेषण रहा है, इसीलिए ये विशेषण और विशेष्य है। तो इसका विग्रह करते समय जब विशेषण और विशेष्य होता है तो उसका विग्रह हम इस तरह से करते हैं कि नीला है जिसका कंठ, नीला है जो कंठ। तो ध्यान में रखो, नीला है जो कंठ, इस तरह से उसका विग्रह हुआ कब, जब विशेषण और विशेष्य होता है। हम फिर से देखते हैं पीताम्बर, पीताम्बर, यहाँ पर पिता यानी पीला और अंबर ये दो शब्द बने हैं, पीत और अंबर, यानी पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, यहाँ पर इस तरह से उसका विग्रह हुआ। चरण कमल, चरण कमल ये एक शब्द है, समस्त पद हैं, यहाँ पर चरण और कमल ये दो अलग अलग पद हैं, एक विशेष्य है तो दूसरा उसका विशेषण है, तो उसे हमने किस तरह से लिखा है कि कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैसे उपमान और उपमेय यानी तुलना की जाती है, किसी वस्तु की या व्यक्ति की तुलना किसी के साथ की जाती है, तो वो यहाँ पर आ जाता है उपमेय और उपमान में। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि उदाहरण, यहाँ पर देखते हैं कि स्त्रीधन, स्त्री धन, यहाँ पर तुलना की है, स्त्री एक पद है और धन ये दूसरा पद है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, यहाँ पर तुलना है, लेकिन तुलना में दोनों भी समान हैं, एक जैसे हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है, तब यहाँ पर विग्रह करते समय हम रूपी इस शब्द का, इस पद का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि उसका विग्रह आएगा स्त्री रूपी धन, दूसरा शब्द देखो विद्या धन, इसमें भी विद्या और धन यानी संपत्ति दोनों भी एक जैसी है, तुलना है, उपमान है, उपमेय है, तो यहाँ पर विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन है। अब यहाँ पर कमल नयन, कमल नयन ये शब्द दिया है, ये समस्त पद है कमल नयन, इसमें देखो कमल और नयन यहाँ पर भी उपमेय और उपमान है, तो यहाँ पर भी तुलना है, तो इसे हम विग्रह करते समय कैसे करेंगे कि यहाँ पर कमल नयन जो है उसे कमल की उपमा दी गई है, तब हम यहाँ पर विग्रह करेंगे कमल के समान, कमल के समान नयन। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान इस तरह के उदाहरण यहाँ पर आते हैं, और ध्यान में रखना है विग्रह करते समय जब विशेषण और विशेष्य होता है तो है जो, ये चिन्हों का हम, शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर उपमान उपमेय होता है तब हम रूपी और के समान इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल कर दो पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं यहाँ पर। और यही एक तरीका है, यहाँ पर मैं बताती हूँ कि आपको इस तरह का शब्द समस्त पद दिया जाता है और विग्रह करने के लिए कहा जाता है, तब आपको ऐसे विभक्ति चिन्ह या किसी शब्दों का तथा योजक चिन्हों का उपयोग कर हम यहाँ पर समास में विग्रह करते हैं। बच्चों समस्त विग्रह से समस्त पद बनाना भी बहुत आसान है, बस उसमें जो दो शब्दों को मिलाने वाले जो चिन्ह हैं उसे हमें निकालना है और उन दो शब्दों को मिलाना है, तो हमारा समस्त पद बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास की पहचान। बच्चों हमारा अगला समास का भेद है कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य
तथा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और खास यह है कि इस समास में जो उत्तर पद है यानी दूसरा पद है वह प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। तो बच्चों हम देखते हैं उदाहरण के जरिए कि किस तरह से यहाँ पर हमें पद को देखा है कि जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं समस्त पद और उसका विग्रह के रूप में पद दिया है नीलकंठ। समस्त पद है नीलकंठ। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये नील और ये कंठ ऐसे दो पद हैं। इसमें से ये कंठ जो है वो विशेष्य है और उसका विशेषण है नील, क्योंकि कंठ कैसा है तो नीला है, तो यह दूसरे पद का विशेषण रहा है, इसीलिए ये विशेषण और विशेष्य है। तो इसका विग्रह करते समय जब विशेषण और विशेष्य होता है तो उसका विग्रह हम इस तरह से करते हैं कि नीला है जिसका कंठ, नीला है जो कंठ। तो ध्यान में रखो नीला है जो कंठ, इस तरह से उसका विग्रह हुआ कब? जब विशेषण और विशेष्य होता है। हम फिर से देखते हैं पीताम्बर। पीताम्बर यहां पर पिता यानी पीला और अंबर ये दो शब्द बने हैं, पीत और अंबर यानी पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। यहाँ पर इस तरह से उसका विग्रह हुआ चरण कमल, चरण कमल ये एक शब्द है, समस्त पद हैं। यहाँ पर चरण और कमल ये दो अलग अलग पद हैं, एक विशेष्य है तो दूसरा उसका विशेषण है। तो उसे हमने किस तरह से लिखा है कि कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैसे उपमान और उपमेय यानी तुलना की जाती है, किसी वस्तु की या व्यक्ति की तुलना किसी के साथ की जाती है तो वो यहाँ पर आ जाता है उपमेय और उपमान में। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि स्त्रीधन, स्त्री धन यहाँ पर तुलना की है, स्त्री एक पद है और धन ये दूसरा पद है यानी पूर्व पद और उत्तर पद, यहाँ पर तुलना है लेकिन तुलना में दोनों भी समान हैं, एक जैसे हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है। तब यहाँ पर विग्रह करते समय हम रूपी इस शब्द का, इस पद का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उसका विग्रह आएगा स्त्री रूपी धन, दूसरा शब्द देखो विद्या धन, इसमें भी विद्या और धन यानी संपत्ति दोनों भी एक जैसी है, तुलना है, उपमान है, उपमेय है, तो यहाँ पर विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन है। अब यहाँ पर कमल नयन, कमल नयन ये शब्द दिया है, ये समस्त पद है कमल नयन। इसमें देखो कमल और नयन यहाँ पर भी उपमेय और उपमान है तो यहाँ पर भी तुलना है। तो इसे हम विग्रह करते समय कैसे करेंगे कि यहाँ पर कमल नयन जो है उसे कमल की उपमा दी गई है, तब हम यहाँ पर विग्रह करेंगे कमल के समान, कमल के समान नयन। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान इस तरह के उदाहरण यहाँ पर आते हैं। और ध्यान में रखना है विग्रह करते समय जब विशेषण और विशेष्य होता है तो है जो, ये चिन्हों का हम शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर उपमान उपमेय होता है तब हम रूपी और के समान इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल कर दो पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं यहाँ पर। और यही एक तरीका है, यहाँ पर मैं बताती हूँ कि आपको इस तरह का शब्द समस्त पद दिया जाता है और विग्रह करने के लिए कहा जाता है, तब आपको ऐसे
विभक्ति चिन्ह या किसी शब्दों का तथा योजक चिन्हों का उपयोग कर हम यहाँ पर समास में विग्रह करते हैं। बच्चों समस्त विग्रह से समस्त पद बनाना भी बहुत आसान है, बस उसमें जो दो शब्दों को मिलाने वाले जो चिन्ह हैं उसे हमें निकालना है और उन दो शब्दों को मिलाना है तो हमारा समस्त पद बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास की पहचान।